नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद समीर जैन। दोस्तों, राहुल गंदगी यूके चला गया, वहां पर लेक्चर देने वाला है वो 27 और 28 फरवरी को। और हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन्होंने भी आंदोलन को 29 फरवरी तक रोकने का फैसला कर दिया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्या ये कोइंसिडेंस है कि जब जब राहुल गंदगी बाहर जाता है, कोई ना कोई टूल किट तैयार होती है भारत के खिलाफ। अगर आपको याद होगा, दिसंबर 2020, इसमें माँ और बेटा दोनों ही यूएसए के लिए भाग गए थे। और उसके बाद 26 जनवरी 2021 को जो काले दृश्य हमने लाल किले पर देखे, ये हम भूले नहीं हैं और ना ही कभी हम भूलेंगे। ये गंदगी फैमिली के काम और कारनामे। उस दिन पूरा अटेम्प्ट किया गया कि एक सिविल अनरेस्ट इस कंट्री के अंदर हो जाए। क्या ये हमेशा कोइंसिडेंस हो सकता है? भाई, अभी तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तारे पीछे से कौन पुल कर रहा है, ये रस्सियां कौन जला रहा है, और ये प्रोटेस्टर्स, इनमें जो सपोर्ट है, ये 10 जनपथ में बैठी हुई पोल डांसर के कैसे तारे उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, पहले तो जो फार्मर से अभी जो आंदोलन हो रहा है, उसके अंदर एक ऐसी डिमांड को रखा गया जो कभी भी गवर्नमेंट मान ही नहीं सकती, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। जैसे उसे हैंडल किया गया और उसे एक जेन्युइन ऑफर फार्मर्स को दे दी। फार्मर्स ने ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट करना ही था, कर दिया। और वो उसके बाद नई नई और अनरियलिस्टिक डिमांड्स को जोड़ते गए। पर्पस एक ही था, प्रोटेस्ट करो, क्योस लेकर आओ, आर्जनी करो और अपनी वोटों को कंसोलिडेट करो इलेक्शन से पहले, ताकि जितने भी किसान हैं उनकी वोट कांग्रेस को चली जाए। लेकिन यहां पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको प्ले किया और पूरे के पूरे जो प्रोटेस्टर्स का ये आंदोलन था, ये एक्सपोज हो गया। अब ये मुंह छुपाने के लिए भी जगह इनको नहीं मिलती। अब आपने एक चीज नोटिस अगर करी है या नहीं करी, कि लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बजाय यहां पर कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर एग्रेसिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, इंक्लूडिंग झाड़ू वाला कंजरवाल। ये सिर्फ कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट रह गया है इस बार। एक और चीज आपने देखी होगी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, बड़ी कोशिश करी कि भी वो हरियाणा पुलिस को थोड़ा सा उकसाएं, ताकि वहां से कोई गोलीबारी हो, उल्टे सीधे काम हो और वहां पर दिखाया जाए कि मोदी जो है ये डिक्टेटर है। लेकिन हुआ क्या, हरियाणा की पुलिस ने भी इस सारे मामले को ऐसे टैकल किया है कि भाई डंडा भी चला दिया, उनका जो पीछे तस्वीर है वो भी लाल कर दी किसानों की, और कहीं हल्ला भी नहीं हुआ। और ऐसी मैनेजमेंट करी है बॉर्डर के ऊपर कि ये खालिस्तानी अपने पंजाब के बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा भी एंटर नहीं कर पा रहे। यानी कि हरियाणा पुलिस के लिए भी आपको दो शब्द उनकी तारीफ में आपको लिखने ही पड़ेंगे। मैं कभी ये बात बोलता नहीं हूं, लेकिन आज डिमांड करता हूं कि हरियाणा पुलिस के लिए भी आप थोड़े से शब्द लिखिए। अब उसके बाद फार्मर्स ने कोशिश करी कि पहले तो आए किसान, उसके बाद इन्होंने कोशिश करी कि खालिस्तान का थोड़ा सा तड़का इसके अंदर लगाया जाए। यानी कि अगर खालिस्तान के कोई सेंटिमेंट किसी के अंदर थे, उसे उजागर किया जाए। बट इस बार वो भी नहीं चला। अब हुआ क्या है कि जैसे ही वो अमृतपाल, वही उग्रवादी, वो जब से वो प्रोजेक्ट फेल हुआ है, पूरे दुनिया में खालिस्तानी लीडर्स के ऊपर क्रैकडाउन हो गया है। हमने नहीं किया, अज्ञात वीरों ने किया था। इनकी प्रॉपर्टीज को छीन लिया गया, खाते इनके सीज कर दिए गए। दैट मीन्स जो हमारी एजेंसीज हैं, इनके लिए भी तारीफ के दो शब्द तो बनते ही हैं। अब इसके बाद आई पब्लिक की सपोर्ट। इन्होंने बोला कि भाई पब्लिक की सपोर्ट जोड़ी जाए, वो भी नहीं होने दी। यानी कि अब लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, उन्हें भी दिखता है कि क्या किया जा रहा है, डिमांड्स कैसी रखी जा रही हैं। और इनको लगता था कि भी जैसे फार्म बिल्स को पीछे वापस लिया गया, इस बार भी हम चक्का जाम करेंगे और उससे गवर्नमेंट दब जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और लोगों की सपोर्ट मिलने से, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने से हम मोदी को दबा लेंगे। तो दोस्तों, आपको भी एक थप्पड़ थपाई तो मैं ही दे देता हूं पीठ पीछे, कि आप भी इंटेलिजेंट होते जा रहे हो और आपको समझ आनी शुरू हो गई है पॉलिटिकल गेम्स की। अब लास्टली आते हैं
कांग्रेस पर। कांग्रेस ऑलरेडी उसके पास, राहुल गांधी ने बोला था कि हम इतने तीर छोड़ते हैं मोदी जी के ऊपर, लेकिन कंबखत कोई तीर लगता ही नहीं है, यानी कि गोलियां खत्म होती जा रही हैं इलेक्शन से पहले। और अब इतना डेस्परेट हो चुके हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी को लेकर आए मोदी जी को हराने के लिए। इंडिया अलायंस बनाया, टूट गया। रीजनल पार्टीज कोई भी कांग्रेस की लीडरशिप के साथ बात भी नहीं करना चाहती, यानी कि जितनी बदबू हमें कांग्रेस का नाम देखकर आती है, इनकी पिक्चर देखकर, फोटो देखकर आती है, उतनी ही अपोजिशन को भी आनी शुरू हो गई। अब यही गंदगी, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इन्होंने भी ओबीसी का कार्ड निकाल लिया। लेकिन आप देखिए कि जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, बड़ी डिफरेंटली उन्होंने रिएक्ट किया। हर एक रीजन में, हर स्टेट में डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं। भाई आपको समझना चाहिए, राहुल गांधी की तो समझ आती नहीं है कि जो कास्ट वाला कार्ड है, ओबीसी वाला कार्ड है, ये पूरे इंडिया में नहीं चल सकता। आपको एक छोटे एरिया में तो तरक्की मिल सकती है, लेकिन बाकी दूसरे रीजन में वही बैकफायर कर जाएगा। क्यों? कहीं पर ये मुसलमानों के साथ काम करते हैं, कहीं शिवसेना के साथ, और कहीं ये ओबीसी के साथ मिलकर उनके उनके हक की बात करते हैं। अब हो क्या रहा है, यानी कि राहुल गांधी का ये वाला कार्ड भी कहीं भी चलने वाला नहीं है। अब जब इसने देखा, राहुल गांधी ने, भाई इसकी तो फार्मर वाली जो गेम थी ये तो गिर गई, ये तो कार्ड ही टूट के नीचे फेंक गया है। तो राहुल गांधी ने क्या काम किया कि इसने प्रवोक करना शुरू किया, एक सुई चुबोनी शुरू करी लोगों को कि भाई आप जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं, इनके ओनर्स को आप उठाकर बाहर फेंक दीजिए, वो अदानी हो, अंबानी हो, ये मालिक क्यों है, आपको मालिक बनना चाहिए उन कंपनीज का। भाई ये जो पॉलिसी है, ये आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में भी ऐसी ही पॉलिसी बनाई गई थी कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर एक काला जो आदमी होता है, जो ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी हिस्सेदारी 51% कंपनियों में होनी चाहिए। अब ये जो गार्ड है इसलिए है ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था टूट जाए, कंट्री पटा बैठ जाए और गंदगी वाली फैमिली दोबारा से आ जाए। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं है, ना ओबीसी के कार्ड के ऊपर, ना ही जो कह रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने एक बार बोला था, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि मोदी जी चाहते हैं कि गंदगी, ये गंद डालता रहे और ये अपने आप को एक्सपोज करता रहे। अब आते हैं यूके के ट्रिप के ऊपर, ये इसका आखिरी ट्रिप होगा एज अ एमपी, इसके बाद तो ये जेल में जाने वाला है, ये लिखवा लीजिए 2024 के इलेक्शन के बाद, तब तक तो हमें इसकी जरूरत है क्योंकि ये हमारा स्टार कैंपेनर भी है। अगर कांग्रेस, जो कि अगर नहीं है, हो गई ऐसा, इस इलेक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ये पार्टी आप समझ लीजिए खत्म हो जाएगी इसके बाद। और गांधी जो फैमिली है, यानी कि गंदगी फैमिली की जो डायनेस्टी है, ये इस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि स्प्लिट होकर दो हिस्सों में बंटने वाली है। प्रियंका अपना राग गा रही है, राहुल अपना राग गा रहा है, यानी कि कांग्रेस भी दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है 24 के इलेक्शंस के बाद। अब आप देखिए कि होगा क्या, जो बड़े बड़े नाम हैं, अरे भाई राज्यसभा में भी देख लिया हमने, इसमें भी बड़े बड़े नाम, इनके दरवाजे बंद हो गए हैं, पूरी हवा भरी हुई है कि कोई परिवर्तन बड़ा इस फैमिली में आने वाला है, इस पार्टी में आने वाला है, और इन्हें कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज ही करनी पड़ेगी, वरना ये तो गए हो। आपको क्या लगता है कि क्या ये गंदगी, जब ये राहुल गंदगी वहां से आएगा, उसके बाद ये कोई ना कोई गंद और डालेगा? कौन सी स्ट्रेटजी ये कर सकता है जिससे कि भारत में आग लगे और मोदी जी का नाम खराब ये कर सके? वहां जाकर भी मोदी जी का नाम खराब करने वाला ही है, इसीलिए किसान आंदोलन को रोका गया। इसके बाहर जाते हुए क्या होगा कि जब ये बाहर बैठा हुआ है, तब कोई ना कोई गंध यहाँ पर फैलाया जाएगा किसानों के खिलाफ, और वही पिक्चर्स को दिखाया जाएगा यूके में, देखिए मोदी जी फार्मर्स के साथ क्या काम कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट बाहर की जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे फैलाया जाएगा झूठ को। और भारत में तो हमारा मीडिया देखिए, बिका हुआ मीडिया, चाइना से पैसे लेता है, वो तो छाप ही देगा जो स्क्रिप्ट राहुल गंदगी की टीम इसे लिख के देगी। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, आपके हिसाब से क्या हो सकता है मुझे बताइए। और जब ये राहुल गंदगी
इसका मेन आदमी जयराम ये बोलता है कि मार्च 3 को, यानी कि 3 मार्च 2024 को, आप राहुल गांधी को एक नए अवतार में देखेंगे। अब आप समझ सकते हैं वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा गेम जो राहुल गांधी खेलने वाला है, और ये गेम वही होगा जिसका बार बार राहुल गांधी हमें बताता है कि मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जो मैं इलेक्शन से पहले खेलूंगा और मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो देखते हैं 3 मार्च को ये क्या गंध फैलाने वाला है, क्योंकि गंध की टोकरी तो ये लेकर अपने मुंह में भी और सर पर भी रखकर ही चलता है। आपके हिसाब से राहुल गंदगी कौन सा ऐसा गंध फैलाने वाला है जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा इतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना इनका है गिरने का। तो दोस्तों आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी डायरेक्शन मिलती है कि आगे का रणनीति इनकी क्या है और हमें भी कौन सी बनानी पड़ेगी इनका पर्दाफाश करने के लिए। कमेंट्स डालिए और देश को बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.